हे गाइस, स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि हॉवर्ड स्टार्क को वाइब्रेनियम कहां से मिला होगा, एंड वाकांडा वाले जो अपना भाला तक लेने नहीं देते हैं किसी को या म्यूजियम में रखे सामान तक पे नजर रखते हैं, वो कैसे हॉवर्ड को वाइब्रेनियम ले जाने दिए होंगे। अब ले जाने दिया तो दिया, बट वाइब्रेनियम ओर को शील्ड में हॉवर्ड ने बदला कैसे, क्योंकि कॉमिक्स में तो बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी तब जाके कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी थी। यहां पर दो बातें हो सकती है। पहला ये कि वाकांडा वालों ने खुद वाइब्रेनियम और हॉवर्ड स्टार्क को दिया होगा एंड कहा होगा कि इस बात को राज रहने दिया जाए, या फिर इसको देके कहा होगा कि हमारे पास इतना ही है और उसके बाद से हॉवर्ड स्टार्क वहां से चल दिया होगा। या फिर दूसरा चीज ये हो सकता है कि किसी और ने हॉवर्ड को वो वाइब्रेनियम और दिया होगा जिसके बाद से हॉवर्ड वहां से चलता बना होगा। पहला वाला पॉइंट तो यहां पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट दूसरे वाले पॉइंट में आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो बंदा कौन था जिसने हॉवर्ड को वो वाइब्रेनियम दिया, जो कि मेरे ख्याल से इटर्नल्स में से होगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि फेस्टोस है। अब फेस्टोस ही क्यों? तो बॉस, याद करो जब फेस्टोस को लेने के लिए सर्सी या निकारिस आए थे तो उन्होंने कहा था कि शायद ये टेबल वाइब्रेनियम का होगा एंड उसको वहां तोड़ दिया था। अब मेरे को ये बात बताओ कि वाइब्रेनियम के बारे में पता होना तो समझ में आता है, बट वाइब्रेनियम का घर के टेबल में होने की पॉसिबिलिटी कैसे आई? क्योंकि वाकांडा वाले तो वाइब्रेनियम घर का टेबल बनाने के लिए कहीं पर बेच तो नहीं रहते। तो ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पे इकारिस तभी सोच सकता है जब फेस्टोस उसको बना सकता है, मतलब कि फेस्टोस वाइब्रेनियम को क्रिएट कर सकता है। ऊपर से इकारिस कॉस्मिक बींग यूज करके दर्शाता भी है कि घर सिक्योर्ड है, क्योंकि उसको बनाने के लिए फेस्टोस ने अपने पावर्स यूज किए हैं। फेस्टोस बींग ब्लैक इन स्किन टोन आराम से मिक्स हो सकता है वाकांडंस के बीच में एंड उनको वाइब्रेनियम का सही यूज करना सिखा सकता है, क्योंकि यही तो उसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है। उसके पास टेक्नोपैथी की पावर है जिसके मदद से वो इंसान को 1000 साल पहले ही स्टीम इंजन वाला आइडिया दे रहा था, लेकिन उसको ड्रॉप कर देना पड़ा। एनीवेज द पॉइंट इज कि अपने टेक्नोपैथी वाले पावर का इस्तेमाल करके फेस्टोस कॉस्मिक एनर्जी को यूज करता है और उससे वो वाइब्रेनियम बना सकता है, एंड इसीलिए इकारिस ने यहां पर सोचा कि ये वाइब्रेनियम हो सकता है, एंड फेस्टोस ने ऐसा वाइब्रेनियम बना के हॉवर्ड स्टार्क को दिया जिससे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब तो किया जा सकता है बट उसको होल्ड ऑन नहीं कर सकता, जैसे ब्लैक पैंथर का सूट करता है। अब आप बोलोगे कि कॉस्मिक पावर से वाइब्रेनियम बनाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं, या फिर हमें कुछ भी बोल के बस बना रहा है? तो बॉस, याद कीजिए कि वांडा अपने क्योस मैजिक से वाइब्रेनियम बना सकती है, तो फेस्टोस कॉस्मिक पावर से क्यों नहीं? ऊपर से इटर्नल्स की जो कहानी है वो मार्वल कॉमिक्स के अर्थ एक्स से उठाई गई है, जहां पे सेलेशियल्स अर्थ के अंदर या फिर के प्लैनेट के अंदर एक्स छोड़ते थे जिससे दूसरे सेलेशियल्स पैदा होते थे, एंड उसी कॉमिक्स में हमें ये बताया गया था कि सेलेशियल प्लैनेट पे वाइब्रेनियम प्लांट करते हैं जो कि नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है सेलेशियल्स के जन्म के लिए। सेम चीज एमसीयू के अंदर भी हो सकता है, एंड ऐसा करने के लिए सेलेशियल्स के पास वाइब्रेनियम बनाने की पावर होनी चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स कॉस्मिक पावर से ही वो कर पाएंगे क्योंकि उनके पास वही कॉस्मिक पावर ही तो है। एंड जब सेलेशियल्स ऐसा कर सकते हैं तो फेस्टोस क्यों नहीं, जबकि उसके पास भी कॉस्मिक पावर है? मुझे मालूम है कि वो बहुत ही लिमिटेड रेंज तक यूज कर सकता है, बट उससे तो वो वाइब्रेनियम शायद तक बना ही सकता है, एंड हो सकता है कि ये सब प्लान था कि अर्थ के ऊपर वाइब्रेनियम गिरेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वाइब्रेनियम एक नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है किसी भी सेलेशियल्स के ग्रो होने के लिए, और ये एक्सप्लेनेशन अर्थ एक्स वाले सेलेशियल के प्लॉट के अंदर दिखाया गया था। तो हो सकता है कि फेस्टोस ने ही वाइब्रेनियम को बनाया एंड उसको हॉवर्ड स्टार्क को दे दिया, ताकि हॉवर्ड अपने जांच पड़ताल को वाकांडा तक ना पहुंचाए जहां वाइब्रेनियम का खदान है, क्योंकि अगर इन लोगों की नजर उस वाइब्रेनियम में पड़ जाती तो वो कब का वो लोग माइन आउट करके खत्म कर चुके होते। इसीलिए फेस्टोस ने वाइब्रेनियम का एक इंफीरियर वर्जन कह सकते हैं जिससे सिर्फ वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, वो वाला हॉवर्ड को दे दिया एंड बाकी वाइब्रेनियम्स को बचा लिया। इसीलिए फेस्टोस ने वाकांडा वालों की लिमिटेड हेल्प की, और लिमिटेड हेल्प इसलिए क्योंकि 1945 में जब हिरोशिमा में बॉम्ब फटा तो उसके बाद से फेस्टोस ने ह्यूमन काइंड की मदद करना छोड़ दिया, इसलिए वाकांडा भी उसके बाद से स्लो रेट से ग्रो हो रहा था, जिसमें तेजी तब आई जब शूरी वाकांडा में जन्म लेती है। सो गाइस, आपका क्या कहना है कि फेस्टोस ही वो कड़ी है जिसने वाइब्रेनियम थोड़ा सा दिया था हॉवर्ड स्टार्क को जिससे कैप्टन का शील्ड बना, या फिर आप सिंपल आंसर के साथ जाना चाहोगे जहां वाकांडा के जो रक्षक यानी कि ब्लैक पैंथर ने हॉवर्ड स्टार्क को धमकी दी होगी कि ले बेटा इतना सा तू वाइब्रेनियम रख ले और यहां से चलता बन और दोबारा इधर दिखा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और इसीलिए हॉवर्ड ने उधर पे रिसर्च अपना रोक दिया और फिर वो वापस आ गया।
आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि कैसे वाइब्रेनियम और सेलेस्टियल का कनेक्शन हो सकता है, उसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देखें और डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेनियम्स के बारे में जानने के लिए राइट साइड वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।